कि जब लालू प्रसाद भी इस शख्स को तेजस्वी यादव का अक्स देखते थे। प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को स्थापित करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए थे एड़ी चोटी का। तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनने आए थे, उनको यही पता नहीं था कि कौन अपना है कौन पराया है। लेकिन आज भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अगर चुनाव लड़ने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक आयाम जरूर प्रस्तुत किया था कन्हैया कुमार ने। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं, रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि उद्गार लगाने पर मजबूर होते हैं। प्रशांत किशोर जी बिहार की राजनीति में पदार्पण समझिए कि कर चुके हैं, ऐसे ही जैसे लालू प्रसाद यादव जी बिहार आने को हैं। तो जैसे होता है कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पर चढ़ने से पहले यार्ड में खड़ी रहती है, ठीक इसी प्रकार से प्रशांत किशोर जी हैं। लेकिन जब कोई बड़े राजनेता या रणनीतिकार जब कहीं कदम रखते हैं तो इससे पहले वहां का सर्वेक्षण कर लिया जाता है। कोई बड़े मंत्री कहीं का विजिट करते हैं, मुख्यमंत्री विजिट करते हैं, तो पहले वहां जो गुप्तचर होते हैं जाकर के पूरी स्थिति का जायजा ले लेते हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जी एक रणनीति के साथ आ रहे हैं और इस बार रणनीति बड़ा है। रणनीति क्यों बड़ा है, क्योंकि याद होगा आपको जब प्रशांत किशोर जी बिहार से गए थे तो कैसे गए थे, क्या कुछ विवाद के साथ गए थे, बड़ी बेआबरू होकर और किस शपथ के साथ लेकर के गए थे। तो जब आ रहे हैं वापस तो ऐसा नहीं है कि बातों को हमने भुला दिया नीतीश कुमार जी के जैसे। अब चर्चा हो गई है नीतीश कुमार जी की तो सीधे समझ जाइए कि इस बार प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं तो रिप्लेसमेंट ढूंढ करके, और कौन रिप्लेसमेंट है इसकी चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो बिहार के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं विजय मिश्र बाबा जी, वो मौजूद हैं। तो बाबा, प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिए, क्या नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट ढूंढ पाना फिलहाल संभव है प्रशांत किशोर के लिए? सुमन, जब प्रशांत किशोर की बात आपने छेड़ ही दिया है जी, तो सबसे पहले प्रशांत किशोर का एक कोट है जी जो आजकल में उन्होंने किया है, वो बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनाव में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हमारा निरंतर एक प्रयास रहा है कि युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। बिल्कुल, अब आप इस शब्द को तो सुन लिया, गांधी जी ने भी बहुत सारी बातें कही थी, आपने देखा होगा जहां तहां इबादत की तरह लिखा रहता है, स्लोगन की तरह उसका यूज़ किया जाता है। कभी कभी कोई कहता है कि चंदन विष व्यापत नहीं भी, बहुत सारी बातें होती हैं, लोकोक्तियां कही जाती हैं, लेकिन अमल कितना किया जाता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार पिछले 16 साल से हैं। नीतीश कुमार का जो लक्ष्य था, हर खिलाड़ी का एक अपना लक्ष्य होता है कि हम ये जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक कर लें। नीतीश कुमार जी ने भी अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया है, राजनीतिक रिकॉर्ड। उन्होंने कई रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं जिसमें से एक रिकॉर्ड बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक रहने का था, वो भी ब्रेक हो चुका है। इसलिए अब उनको शायद हमको लगता है कि राजनीतिक गति की प्राप्ति होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार उसके लिए तैयार नहीं है। अब इन सारी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं जी? राजनीति के तो एक से एक धुरंधर, एक से एक दिग्गज हैं, लेकिन यहाँ प्रशांत किशोर की जरूरत क्यों महसूस हुई? तो प्रशांत किशोर की जरूरत इसलिए महसूस हो रही है कि प्रशांत किशोर वो शख्स हैं जो दुल्हों के चाची और कनियों के चाची, हाँ ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रशांत किशोर वो देवालय हो गए हैं राजनीति के जी, जहां सब कोई जाकर के जल ढारता है। हाँ। कोई चुपचाप से ढारता है और कोई हल्ला करता है। बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा कि सावन का महीना आते ही देवघर में लग जाता है लाइन, वैसे ही चुनाव आते ही लाइन लग जाता है और चुनाव से पहले भी रणनीतियां बनती है। हालांकि उन्होंने रणनीतिकार से अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन उनकी टीम काम कर रही है। खैर, ये तो प्रशांत किशोर का जो भी था गुणगान नहीं है, जो फैक्ट है, जहां आना चाह रहे हैं वहां लाना जरूरी था जी। प्रशांत किशोर के पास पिछले चुनाव में कई लोग गए थे, पप्पू यादव से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गजों का नाम उस लिस्ट में शामिल है जी। ये सारे लोग गए थे कि बिहार में मेरी प्रतिष्ठा कैसे बचेगी और हम कैसे चुनाव लड़ें तो जीते जी। कोई सामने से गए थे और कोई, जैसे डॉक्टर के आप नहीं जाते हैं, आपको जी मचलाने लगता है तो आपको लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया जी। अगर महिला का मचला है तो कोई बात नहीं है, खुशी की बात होती है, ढोल वगैरह बजता है, मिठाई खिलाया जाता है जी। लेकिन पुरुष का मसला नहीं लगे तो जी, बिल्कुल, तो समस्या तो होगी ही जी। कई लोगों को मुख्यमंत्री बनने के लिए जी मचला रहा था। हाँ, ऐसी लिस्ट बहुत थी, उपेंद्र कुशवाहा भी लिस्ट में थे, आज
चाकरी कर रहे हैं नीतीश कुमार की जी, बहुत सारे लोग हैं। चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री ही बनने आए थे बिहार में, आज न घर के रहे न घाट के रहे। ये खोजा जा रहा है कि आधार कहाँ मिलेगा, बेस कहाँ मिलेगा, घर टूट गया, परिवार टूट गया। तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनने आए थे, उनको यही पता नहीं था कि कौन अपना है कौन पराया है। कहा तो नीतीश कुमार रहे थे कि पता ही नहीं चला कि कौन अपना था कौन पराया था। लेकिन मुख्यमंत्री कौन है जी? नीतीश कुमार। इतना सब कुछ होने के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इसको आप कम समझते हैं क्या? और इनको पटक देना सामान्य बात है क्या जी? नहीं। अब ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर किसी को अगर खोज करके ला रहे हैं तो निश्चित रूप से उस आदमी में कोई ताकत तो होगी। ताकत होगी बिल्कुल। अब वो शख्स है कौन, हम उसकी पड़ताल करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि वो शख्स चिराग पासवान है तो आप गलत भी नहीं सोच रहे हैं, ना सही सोच रहे हैं जी। क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, बलहटा तो उनको खूब आ रहा है जी। जिस घर का दरवाजा वो कभी नहीं देखे थे जी, उस दरवाजे पर भी माथा टेके हैं, दस्तक दे रहे हैं बिल्कुल। पुराने बिगड़े हुए संबंधों को फिर से रिवाइव कर रहे हैं जी। क्योंकि जिस संबंध को लेकर के वो राजनीति में स्थापित थे वो संबंध तो बिखर गया बिल्कुल। अब नए संबंधों को लेकर के फिर से एक बार तैयारी कर रहे हैं और आशीर्वाद अच्छा खासा मिल रहा है जी। इसलिए उनका भाव जो है सट्टा बाजार में बढ़ा हुआ, राजनीतिक सट्टा बाजार में बढ़ा हुआ है बिल्कुल। आगे बढ़िए, आप चिराग पासवान की तो बात हो गई, लेकिन आपको बता देते हैं कि चिराग पासवान वो शख्स नहीं है जो कोचिंग ले रहे हैं प्रशांत किशोर बिल्कुल। क्योंकि ये तो अपने आप को ही समझते हैं कि उनके पास इतना बड़ा कोच था, और वास्तव में भी रामविलास पासवान से बड़ा राजनीतिक कोच कौन हो सकता है? कौन हो सकता है जो सत्ता में ही रहे अपने जीवन भर, उधर से छूटे तो इधर सत्ता में आए, इधर से छूटे तो उधर सत्ता में आए, जहां सत्ता वहां रामविलास पासवान। लेकिन लगता है कि इतना वो कर लिए हैं माने सत्ता में भागीदारी कि अब चिराग पासवान के लिए बचा ही नहीं कुछ जी। नहीं होता है कभी खर्च करते करते आप इतना खर्च कर देते हैं कि बाद में आपको नमक खाने का भी पैसा नहीं होता है बिल्कुल। इसी तरह का कुछ लग रहा है कि राजनीति में इतना ज्यादा खर्च कर दिए हैं रामविलास पासवान कि शायद उनके लिए, लेकिन नहीं, अवसर को अपने लिए अपने अनुरूप बनाने का मादा चिराग पासवान में है, वो कर रहे हैं। अगर दूसरे नाम की चर्चा करें तो एक शख्स है तेजस्वी यादव जिनका नाम है, जिनके बड़े भाई का नाम तेज प्रताप यादव है, ये लालू प्रसाद के सुपुत्र हैं बिल्कुल। अब ये दोनों ही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और दोनों की कोचिंग चल रही है। एक आदमी की कोचिंग शुरू हुई थी लालू प्रसाद से जी, और खत्म कहां हुई? तो नीतीश कुमार पे बिल्कुल, तेजस्वी यादव। अब दो दो कोच जिसको कोचिंग दे रहा हो तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचेगा, उप मुख्यमंत्री तक पहुंच गए जी, हल्का पुश बाकी, बस उप मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री तक पहुंचने में जो पापड़ बेलना पड़ा, उस पापड़ का अभी तक कुछ अंश जो है इधर उधर छिटा गया है जी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ लोग जब तक लालू प्रसाद उनके पीठ के पीछे नहीं खड़ा रहेंगे जी, वो जरूरी नहीं है, उनको प्रशांत किशोर के कोचिंग की जरूरत नहीं है बिल्कुल। क्योंकि उनका एक अपना बना बनाया घर है जिस पर उनको घमंड भी है और मजबूत भी है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल, सबसे बड़ी पार्टी भी है। लेकिन हम इनकी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के कोचिंग में इन लोगों की चर्चा अगर करते हैं तो आप समझिए कि चिराग के सामने दिया दिखाते हैं बिल्कुल। क्योंकि दोनों के पिता लीजेंड हैं बिहार की राजनीति में जी। तीसरे शख्स जो है जिनकी चर्चा जबरदस्त ढंग से चल रही है, वो आप जानते ही हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं, नित्यानंद राय। कहा जा रहा है कि भैया 15% वोट के वाले हिस्सा कैसे हैं, और नित्यानंद राय आप जानते ही हैं कि आजकल दुलरुआ हैं केंद्र सरकार के जी, और नहीं तो अमित शाह के करीब बैठते हैं जी, उन्हीं के विभाग के राज्य मंत्री हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका भी नाम चल रहा था, इनको भी सुने में आया था कि बीच में कोचिंग की जरूरत पड़ रही थी जी। और जब 2014 में प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को स्थापित करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए थे एड़ी चोटी का, तब बिहार में ये शख्स जो है बहुत हाईफाई हुआ करते थे जी। हालांकि अध्यक्ष तब नहीं बने थे, अध्यक्ष तो तब मंगल पांडे ही थे, लेकिन इनकी चर्चा शुरू हो चुकी थी और यादव होने के कारण इनको लालू प्रसाद के सब्स्टिट्यूट के रूप में देखा जाता था, और इनको भी कोचिंग की जरूरत थी, लेकिन नाम इनका भी बिहार के मुख्यमंत्री से कट गया, ये भी नहीं है बिल्कुल। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि एक शख्स जो है जो दूसरे को
अब तक राजनीति का गुर सिखाते रहे हैं, कोचिंग देते रहे हैं, खुद बैटिंग करने के लिए तैयार हैं। यानी प्रशांत किशोर भी मुख्यमंत्री के रेस में हैं। जी बिल्कुल, और कई दौर की उनकी बातचीत हो गई है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी चैलेंज दे रहे हैं और नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट हो गए जी। कारण कि आपको पता है कि छात्रों को और युवाओं को, हमने शुरू में बताया कि प्रशांत किशोर का कहना है कि युवाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका ही बदल सकती है, बदलाव ला सकती है। इस बात से हम भी 100% इत्तेफाक रखते हैं कि युवाओं में जोश भी होता है, उन्हें थोड़ा सा जरूरत है बुजुर्गों के आशीर्वाद का और उनके मार्गदर्शन का। इन सारी बातों के बीच में जब बिहार में जदयू के हिस्सा हुआ करते थे, उपाध्यक्ष हुआ करते थे, तो नीतीश के बाद दूसरा स्थान था इनका, और जिसका जिसका स्थान नीतीश के बाद दूसरा हुआ है उसका क्या हुआ है किसी से छुपा नहीं। बिल्कुल, नाम गिन लीजिएगा जी, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, बिल्कुल, आरसीपी सिंह, अशोक चौधरी, अब छोड़ दिए, रहने दीजिए, बंद कीजिए। हाँ। इसलिए कि ये चर्चा हम करने नहीं बैठे, हम बिहार में रिप्लेसमेंट की चर्चा करने बैठे हैं नीतीश कुमार की। तो खुद जो ये कहते थे और कहा जाता था तब, जब प्रशांत किशोर जेडीयू के लिए जबरदस्त फील्डिंग कर रहे थे, हर जगह जहां बॉल जाता था वहां वही नजर आते थे जी। इतने फास्ट फील्डर थे। हाँ। जॉन्टी रोड्स को भी फेल किए हुए थे जी। और इतनी जबरदस्त फील्डिंग उन्होंने किया कि जो जीवन में सोच भी नहीं पाए थे नीतीश कुमार, वो छात्र विंग में अपना अध्यक्ष बनवा दिया पीयू में। बिल्कुल, इतना बड़ा काम जी, छात्रों को जोड़ने, युवाओं को जोड़ने के लिए, यहां तक कि नीतीश कुमार ने अपना आवास तक सरकारी दे दिया था उनको जी। मुख्यमंत्री का, एक उप मुख्यमंत्री का, और एक माफ कीजिएगा, एक मुख्यमंत्री जब नहीं थे तब उनको एक बंगला मिला हुआ था, जो जीतन राम मांझी को उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जो बंगला उनको मिला था उसको उन्होंने दे दिया था प्रशांत किशोर, और अपने मुख्यमंत्री वाले बंगला में आ गए थे। तब वहीं से सारा स्ट्रेटजी बनता था। और आज भी प्रशांत किशोर द्वारा लाए गए लोग हैं जो जदयू में, वही कैडर हैं जी। कई ऐसे नेताओं को मैं जानता हूं जो प्रशांत किशोर ने, जिन लोगों को शॉर्ट लिस्टेड करके जदयू की सदस्यता दिलवाई थी और जदयू में उनको जिम्मेवारी दी थी, ऐसे कई नेता हैं जो, जिनको मैं बहुत बारीकी से जानता हूं और वो अच्छा काम कर रहे हैं जी। वो कैडर के रूप में शामिल हो गए और यही काम चाहते थे प्रशांत किशोर। तो अब वो खुद ही, जबकि दूसरे नंबर पर थे तो उनको भी ललसा तो सबकी होती है ना भाई जी, एक बार उनको भी नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन जिस शख्स की चर्चा करने के लिए हम आए हैं, वो शख्स न तो किसी राजनीतिक फैमिली से है, न प्रशांत किशोर के कोचिंग का सदस्य रहा है जी। उसने अपने लिए अपना मुस्तकबिल तय किया है। बिल्कुल बिल्कुल, और देश के सबसे कद्दावर व्यक्ति जो हैं आज के समय में, दुनिया के सबसे कद्दावर व्यक्ति हैं आज के समय में, नरेंद्र मोदी, उनको सीधा उंगली दिखा के चैलेंज किया था जी। चुनाव भी लड़े 2019 का, लेकिन हार गए। बिल्कुल, और हारने के बाद भी एक डेग पीछे नहीं हटे, और जितना भी भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे जो भी हो, सामने जितना भी लोग खड़ा हुए थे, एक समय था कि जब लालू प्रसाद भी शख्स को तेजस्वी यादव का अक्स देखते थे जी, कहते थे कि दोनों मिलकर के बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को ऐसा लगा कि इस आदमी में काबिलियत ज्यादा है जी, इसलिए इससे दूर रहना ज्यादा श्रेयस्कर होगा, क्योंकि अगर वोट का ट्रांसफर हो गया तो इसके पास अपना जनाधार और ज्ञान तो है ही, कहीं हम ही को भारी न पड़े। हम ही को भारी, बिल्कुल। और यही कारण था कि नीतीश कुमार के विरुद्ध उस शख्स को खड़ा करने की शुरुआत हुई थी। आज प्रशांत किशोर ने उस शख्स को खोज लिया है, उसका नाम है कन्हैया कुमार। बिल्कुल, और कन्हैया कुमार की चर्चा हम पिछले 24 घंटे से कर रहे हैं। इसके इनपुट हमारे पास है और इनपुट सीधे दिल्ली से आ रहे हैं कि कन्हैया कुमार को बिहार में एक बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है। बिल्कुल, और इससे निश्चित रूप से जो डर था तेजस्वी यादव को वो भी सामने आ रहा है, जो आज से 4 साल पहले डर रहे थे लालू प्रसाद, वो डर सामने है, और नीतीश कुमार के लिए भी बड़ा थ्रेट है, क्योंकि कन्हैया कुमार में ऐसा मादा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी लोग पैसा पर लड़ रहे थे चुनाव, और वो भिक्षाटन करके चुनाव लड़े थे, इतना पैसा आया था, इतने लोग आए थे उनको सपोर्ट करने के लिए। हार जीत अलग है, लेकिन आज भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अगर चुनाव लड़ने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक आयाम जरूर प्रस्तुत किया था कन्हैया कुमार ने। आज कन्हैया कुमार की चर्चा होती है, और इस पाठशाला से वो आए हैं जिस पाठशाला में वामपंथ की पढ़ाई होती है, आम गरीब गुरबा खेत किसान की पढ़ाई होती है, और अगर ये शख्स पूरी मजबूती के साथ
फुल सपोर्ट के साथ खड़ा हो गया तो नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट जो कि प्रशांत किशोर ने खोज के लाया है वो बड़ा ही मजबूत हो सकता है और एक बार फिर से कांग्रेस रिवाइवल के दौर में जा सकती है। देखिए कांग्रेस रिवाइवल के दौर में जा सकती है तब जब कन्हैया कुमार जी कांग्रेस में शामिल होते हैं, एक बड़ा पद दिया जाता है। खैर सीपीआई के नेता इन तमाम प्रकरण पर अभी जो है विराम चिन्ह लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये सब अटकलबाजी है, लेकिन सूत्र जो है बेहद मजबूत है, खबरें जो है लगभग पक्की आ रही है। लेकिन अगर आते हैं कन्हैया कुमार जी तो सबसे बड़ा अगर सिंहासन किसी का डोलता है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। जुड़े हैं बात लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसकी जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।